डियर स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन का जो टॉपिक चल रहा था अम्लीयता, उसमें आज का जो नया टॉपिक पढ़ेंगे फिनॉल और एल्कोहल जो होते हैं उसके अम्लीयता की तुलना करेंगे, यानी फिनॉल और एल्कोहल में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है। फिनॉल और एल्कोहल की अम्लीयता की बात की जाए, फिनॉल की जो एसिडिटी है वो एल्कोहलों की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। फिनॉल की जो अम्लीयता है वो एल्कोहलों की तुलना में क्या होती है, अधिक। उसका रीजन पढ़ेंगे। देखें, यहाँ से पहली बात कर लेता हूँ कि एल्कोहलों की जो अम्लीयता है वो फिनॉल की तुलना में क्या होती है, कम। या ऐसे कह दूं कि फिनॉल की अम्लीयता एल्कोहलों की तुलना में अधिक होती है। देखो, एल्कोहलों में नंबर वन पे मैं बात कर रहा हूँ, एल्कोहल का मतलब यहाँ पे ROH, R का मतलब एल्किल समूह, R यहाँ पे क्या है, एल्किल समूह, एल्किल समूह। जैसे एथिल मैथिल CH3 है, C2H5 है, एथिल मैथिल समूह। यानी कि एल्कोहलों में जो OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। एल्किल समूह का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, उसकी संकरण अवस्था क्या होती है, इसका मतलब एल्किल समूह में कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता। कौन सा कार्बन होता है एल्किल समूह का, sp3 संकरित कार्बन। और sp3 संकरित कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है वो क्या होती है, अल। इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अल। विद्युत ऋणता अल होती है। विद्युत ऋणता कम होगी तो OH बॉन्ड की जो ध्रुवणता है उसका मान नहीं बढ़ा पाता है। OH बंध की ध्रुवणता नहीं बढ़ा पाता। जब OH बॉन्ड की पोलैरिटी नहीं बढ़ेगी तो H प्लस आयन बाहर नहीं निकलता। H प्लस आयन का निष्कासन नहीं होता, H प्लस का निष्कासन आसानी से नहीं हो पाता, आसानी से नहीं हो पाता। तो सिंपल सी बात है कि फिनॉल में एल्कोहलों की बात कीजिए, एल्कोहलों में OH समूह एल्किल समूह यानी कि sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। इस sp3 संकरित कार्बन की विद्युत ऋणता अल्प होती है, जिसके कारण वो OH बंध की जो ध्रुवणता है वो नहीं बढ़ा पाता है। H प्लस आयन का जो निष्कासन है वो आसानी से नहीं हो पाता है। जबकि फिनॉल में क्या होता है, दूसरी बात देखो, OH समूह एल्किल समूह से जुड़ेगा, फिनॉल में पहला रीजन तो ये था कि एल्कोहलों में OH समूह एल्किल समूह जुड़ा हुआ तो उसका sp3 संकरित कार्बन विद्युत ऋणता अल्प होती है, OH बंध की ध्रुवणता नहीं बढ़ाएगा तो H प्लस आयन का निष्कासन नहीं होगा। नेक्स्ट बिंदु में बात कर रहे हैं कि एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहलों के आयनन होगा, एल्कोहलों का यहाँ पे क्या करवाया जाए, आयनन। आयनन करवाऊंगा तो ये कैसे टूट जाएगा, RO- और H+, यानी एल्कोक्साइड आयन और प्रोटोनियम आयन, हाइड्रोजन है, क्या बनता है यहां से, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहलों के आयनन से एल्कोक्साइड आयन बनता है। इस एल्कोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद अनुपस्थित होता है, अनुनाद नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन बनेगा, अनुनाद नहीं पाया जाता, अनुनाद नहीं हो पाता। जबकि फिनॉल की बात की जाए तो फिनॉल का आपने क्या करवाया, यहां से आयनन करवाया, आयनन करवाया तो यहां से क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बना, H+। क्योंकि फिनॉल के आयनन से क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर क्या होता है, अनुनाद उपस्थित होता है और अनुनाद उपस्थित होने के कारण यह ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि इसकी जो अनुनादी संरचना बनती है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो आपने देख लिया, जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बना इसमें क्या होने लग जाएगा, अनुनाद,
किस प्रकार होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या बन जाएगी, इसकी अनुनादी संरचना, डबल बॉन्ड को यहाँ पे कहेगा नेगेटिव, फिर रेजोनेंस हुआ यहाँ से, ये बॉन्ड यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ से और ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगी नेक्स्ट माइनस डबल बॉन्ड, फिर रेजोनेंस होगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो ये क्या कहलाते हैं, फिनोक्साइड आयन के अनुनादी संरचना, फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, तो यानी कि कह सकते हैं कि फिनोल व एल्कोनों के अम्लीयता की तुलना, फिनोल में आयनन, फिनोल का आयनन होगा तो फिनोल के आयनन से क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है, फिनोक्साइड आयन अनुनाद उपस्थित होने के कारण ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि इसकी अनुनादी संरचना ज्यादा स्थायी होती है, जबकि एल्कोहलों में एच प्लस आयन के त्यागने से आयनन से एल्कोक्साइड आयन बनता है, उस एल्कोक्साइड आयन के अंदर अनुनाद नहीं हो पाता है, इस कारण वो फिनोल की तुलना में दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, और फिनोल की तुलना में एल्कोहलों की अम्लीयता क्या हो जाती है, कम। तो यानी कि सिंपल सी क्वेश्चन में पूछ लिया आप कि एल्कोहल फिनोल की तुलना में दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, क्यों, एल्कोहल फिनोल की तुलना में दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है H प्लस आयन तो एल्कोक्साइड आयन तो बना रहा है, H प्लस आयन बाहर निकला है तो यहां पे अमलीय तो है लेकिन क्या है, दुर्बल अमल है, उसकी वजह क्या है कि एल्कोहल फिनोल की तुलना में दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, तो आंसर देना है कि एल्कोहलों के आयनन से एल्कोक्साइड आयन बनता है, इस एल्कोक्साइड आयन में क्या होता है, अनुनाद अनुपस्थित होता है, अनुनाद नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, दुर्बल अमल की तरह व्यवहार करता है, जबकि फिनोल के आयनन से फिनोक्साइड आयन बनता है जिसमें अनुनाद उपस्थित होने के कारण ये प्रबल अमल की तरह व्यवहार करता है, इसी कारण फिनोल की जो अम्लीयता है एल्कोहलों की तुलना में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।